मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय 10वां वचन में एक सवाल है, उसका उसके ऊपर हम मनन करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 26:10। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, स्त्री को क्यों सताते हो? प्रिय भाई बहनों, गया हफ्ता में भी हम एक सवाल मनन किए, उसमें क्या मनन किए, एक स्त्री ने एक अच्छा बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई और जब वह भोजन करने बैठा था तो उसके सिर पर उंडेल दिया। यह देखकर उसके चेले ऋषि आए और कहने लगे, इसका क्यों सत्यानाश किया गया? ऐसे उस सवाल के ऊपर हम ध्यान किए, वो सेम संभव है। उसमें दूसरा एक सवाल आता है, स्त्री को क्यों सताते हो? प्रिय भाई बहनों, इधर दो झुंड को हम देखते हैं। एक झुंड है वो स्त्री, एक झुंड में वो स्त्री है एक साइड में, दूसरे साइड में ग्रुप में शिष्य लोग और यहूदास। ये स्त्री के बारे में हम सोचते हैं तो स्त्री को देखिए, वो एक स्त्री था, वो क्या कर रही है? बहुमूल्य एक इत्र को मतलब त्याग करके प्रभु का सिर का ऊपर उंडेल रही है। क्यों? उनके लिए एक प्रकटीकरण, प्रकाशन मिला है। क्या मिला है? यीशु मसीह मरेंगे और जल्दी मरने वाले हैं, प्रभु बोलते रहता है, वो विश्वास किया उसको, जल्दी क्रूसित हो जाएंगे रोमी सरकार के हाथ में, सोम देकर उनको मार डालेंगे करके प्रभु ने बोला है। और इस स्त्री को प्रभु वो भी बोल रहा था, मैं तीसरा दिन जिंदा हो जाऊंगा। ये स्त्री सोच रही थी अपने घर में, इधर आने के पहले सोची होगी, मैं क्या करूं, मुझे अभी प्रभु का दिल दुख से भरा हुआ है। दो दिन के बाद में उसको क्रूसित होने का जो उधर क्रूर रीति से जो संभावना होने वाले सबको सोचते रखा होगा। दो दिन से मतलब कई दिन से सोचते रखा होगा प्रभु का दिल। वो भी एक मनुष्य था, यीशु मसीह मनुष्य भी है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर भी है, वो मनुष्य है, इसलिए मनुष्य का जो फीलिंग्स था महसूस उसको भी हुआ होगा। इसलिए ये स्त्री वो जान लिया और ये स्त्री सोच रही थी अभी यीशु मसीह क्रूसित होने के बाद में रोमियो कैसे उनको मार डालेंगे, मालूम नहीं उसका शरीर हमको मिलेगा कि नहीं मालूम नहीं। मरने के बाद में अच्छा सुगंधित तेल यीशु ऐसे वो उस क्षेत्र में मरा हुआ शरीर को आदर करने के लिए वो लोग ऐसे उनका ऊपर सुगंधित तेल डालकर उसको दफना करते थे। लेकिन ये स्त्री को मालूम हो गया है ये परमेश्वर यीशु मसीह का शरीर हमको मिलेगा कि नहीं मालूम नहीं, इसलिए पहले से वो आकर प्रभु का ऊपर वो सुगंधित इत्र को वो सुगंधित तेल को उंडेल रही। वो ऐसे कर रही है, ऐसे कभी कोई इतिहास में नहीं किया। देखिए ऐसे एक चीज करने के लिए वो हिम्मत बांध लिया है। कितने लोग ऐसे कर सकते हैं समाज में? देखिए आज भी कई लोग वो कुछ अलग चीज करने के लिए, कुछ नया चीज करने के लिए समाज में कोई नहीं अभी तक किया ऐसे चीज करने के लिए कितने लोग आगे जाएंगे, उनके लिए कितने लोगों के लिए हिम्मत रहेगा, कितने लोगों के लिए उनके लिए एक समर्पण रहेगा। लेकिन ये स्त्री को ये सब रहता था, हम देख रहे हैं ये सब कर रही है। आज भी इस स्त्री के समान कलिशिया में लोग हैं, पहले सदी से लोग हैं, प्रभु के लिए समाज में दूसरा कोई नहीं कर रहे हैं, उसको करने के लिए हिम्मत बांध के करते हैं, विश्वास करने के लिए कदम रखते हैं, प्रभु के लिए बड़े बड़े काम करने के लिए विश्वास करते हैं। समाज उनके विरोध में आएगा तो भी, समाज कुछ ना कुछ कुड़कुड़ाएंगे तो भी,
समाज उसके इसके विरोध में कुछ बोलेंगे तो भी बोलने दो करके एक समर्पण के साथ प्रभु के ऊपर प्रेम करते हुए जो जो प्रभु का प्रकटीकरण पाए हुए कोई लोग हमेशा कोई आगे रहते हैं प्रभु के मसीह समाज में भी मसीह समाज में ही कलिशा में देखिए कोई कोई लोग प्रभु को प्रेम करने में देने में प्रभु के लिए उत्साहित दिखाते हैं और सेवकाई करने के लिए निकल पड़ते हैं अपना समय अपना पैसा अपना शरीर का जो प्रयास सब देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये एक झुंड है लेकिन दूसरा झुंड क्या है शिष्य लोग और यूदास वो लोग क्या बोलते हैं क्या ऐसे कर रहे हो सत्ता रहे हैं इसलिए प्रभु बोलते हैं स्त्री को क्यों सताते हो सताने वाला ऐसे कुड़कुड़ाने वाले वो लोग क्या सोचते हैं ये लोग क्यों ऐसे कर रहे हैं हमारा जैसे ये लोग भी होना चाहिए हमको जो प्रकटीकरण मिला गया प्रकाशन मिला गया पहले जो जो मिला गया हमारा पूर्वजों को उसके अनुसार करके जाना चाहिए क्यों ऐसे एक्स्ट्रा जा रहे हैं क्यों ऐसे नया काम कर रहे हैं क्यों ऐसे नया कुछ प्रकाशन बोल रहे हैं प्रकटीकरण पाकर कुछ नया चीज़ क्यों बोल रहे हैं ऐसे मसीह में जो रहते हैं प्रभु के बच्चे लोग उसमें भी एक झुंड ऐसे लोगों को डिस्करेज करते हैं आप क्यों करना है ऐसे नहीं करना है उनका अंदर क्या है कभी कभी जलन होता है परसी लोग सदी के लोगों को महायाजक लोगों को देखिए यीशु मसीह को देखकर जलन हुआ वो लोग क्या सोच रहे हैं योहन्ना बपतिस्मा देने वालों को देखकर वो लोग को गुस्सा आया क्यों वो लोग क्यों सोच रहे हैं वो तो मूसा का नियम तो है काफ़ी है ये यीशु करके आ गया एक नया आकर कुछ नया नया चीज़ बता रहे हैं और अधिकार के साथ उपदेश दे रहे हैं और लोगों को चंगाई कर रहे हैं भूतों को भगा रहे हैं बड़े बड़े अद्भुत काम कर रहे हैं ये सब क्यों ज़रूरत है यरूशलेम में एक बड़ा मंदिर है उधर वेदी में सब बलि हम चढ़ा रहे हैं महायाजक गए याजक लोग गए फरसी लोग गए सदुकी लोग गए न्यायशास्त्री लोग गए इससे ज़्यादा क्या चाहिए करके वो लोग यीशु मसीह को सताते गए पिलातुस भी जान लिया यीशु मसीह का अंदर कुछ गलती नहीं है जलन से महायाजक लोग याजक लोग उसको रोम सरकार के हाथ में दे दिया करके पिलातुस भी जान लिया वो खुद बोल रहा था ऐसे हम न रहे लेकिन कोई कोई ऐसे भी लोग रहते हैं देखिए इनक्रेज करते हैं हमको नहीं कर पा रहे हैं हमको इतना विश्वास नहीं है लेकिन दूसरा कोई प्रभु के बच्चे लोग आगे जा रहे हैं त्याग दे रहे हैं कोई कोई चीज़ को नौकरी छोड़ रहे हैं पूरा सेवकाई में आ रहे हैं और अलग अलग जगह में सुसमाचार बताने के तत्पर तैयार रहते हैं और प्रभु के लिए कुछ खोते हैं प्रभु के साथ अच्छा से घंटों प्रार्थना कर रहे हैं इनको देखकर हमको ऐसे नहीं हो पाएगा तो भी कम से कम इनक्रेज करना चाहिए उनके विरोध में बोलना नहीं चाहिए सताना नहीं चाहिए कोई कोई माँ बाप कोई कोई बच्चे लोग जवानीपन में प्रभु को स्वीकार करके इतना उत्साहित हो जाते हैं सेवकाई करने के लिए जाते हैं तैयार हो जाते हैं बाइबल पढ़ते रहते हैं प्रार्थना करते रहते हैं तब माँ बाप खुद बोलते हैं वो लोग भी क्रिस्ती वो लोग बोलते नहीं 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 इतना ज़्यादा मत जाओ मिनिमम रखो क्यों पागल नहीं पागलपन मत करो पागल बन न जाना ऐसे डिस्करेज करते हैं ऐसे शिष्य लोग और यहूदास जैसे हम ऐसे झुंड में न रहें प्रिय भाई बहनों हमको मालूम है पौलोस एक यहूदी था और पत्रस युगना याकूब बहुत सारे प्रेरित लोग वो लोग भी यहूदी थे वो पत्रस सब वो पत्रस को प्रभु दर्शन दिया एक स्वर्ग से एक आकाश से एक कपड़ा में अशुद्ध जानवर रखते हुए प्रभु उनको दिखाया
इसको खाओ। प्रभु बोला, मैं जिसको अशुद्ध नहीं गिना गया तुम उसको अशुद्ध नहीं गिनना चाहिए, मैं जिसको शुद्ध गिना गया तुम उसको अशुद्ध गिनना नहीं चाहिए। ऐसे बोलकर कॉर्नेलियस का घर में उसको भेजा। पहले अन्य जाति एक व्यक्ति, वो पूरा उद्धार पाए, अभिषेक पाए, सब पत्रस को प्रभु उपयोग किया, फिर भी पत्रस उसके बात में भी वो कदम नहीं रखा अन्य जाति लोगों के बीच में भी जाकर सेवकाई करने के लिए। वो केवल यहूदी लोगों के बीच में ही लास्ट तक सेवकाई करके अपना सेवकाई खत्म किया। लेकिन पौलोस को देखिए, पौलोस भी एक यहूदी है, उसको प्रभु दर्शन दिया कई अन्य जातियों के बीच में भी ये करना है, सुसमाचार प्रचार करना करके एक प्रकाशन दिया। प्रभु उनसे बात किया तो हिम्मत बांध लिया। वो बहुत बड़ा एक प्रसिद्ध एक यहूदी था यरूशलेम में, लेकिन वो उससे पार आया, एक कदम आगे गया, निंदा सघन किया, लोग उनको विरोध उठे, क्यों ऐसे पौलोस करना चाहिए, यहूदी लोग बहुत लोग उनका विरोध में आए। फिर भी वो क्या करता था पौलोस, एक बार यरूशलेम में पत्रस के साथ जाकर बातचीत किया। पत्रस और याकूब और दूसरी जो प्रेरित जो यहूदी लोगों के बीच में सेवकाएं कर रहे हैं उनके पास जाकर बातचीत किया। अन्य जाति लोगों के बीच में प्रभु क्या क्या कर रहे हैं मेरे द्वारा करके उनको पता है विवरण से। तब वो लोग ऐसा नहीं बोला, नहीं 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 पौलोस क्या बहुत आगे जा रहे हो, थोड़ा स्पीड कम करो, क्या ऐसे नया नया प्रकटीकरण अब पाया बोल रहे हो, ये सब क्यों हम यहूदी लोगों के बीच में करेंगे। प्रभु कई पहले कई सालों से यहूदी लोगों को ही अपने आप को प्रकट किया, क्यों अन्य जाति लोगों के बीच में जाना है, ऐसे कुछ नहीं बोला। वो लोग उनको सपोर्ट दिया, इनक्रेज किया। पत्रस बोला, आप जाइए पौलोस, आप जाकर अन्य जाति लोगों के बीच में सेवकाई कीजिए, हम यहूदी लोगों के बीच में सेवकाई करेंगे। ऐसे उनको इनक्रेज किया। हम ऐसे रहे, हमको कुछ पता नहीं है, कुछ नया लग रहा है, कुछ नया बाइबल में है लेकिन कुछ नया नया कुछ उपदेश आ रहा है। पहले 20वीं सदी में अब तब क्या हुआ, केनेथ हेगिन करके एक सेवक को प्रभु उठाया अमेरिका में। वो शुरू में पवित्र आत्मा का अभिषेक, लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक पाकर ऐसे चर्च का फ्लोर में ऐसे इधर उधर वो लोग नीचे गिर रहे थे, कुछ ना कुछ मैनिफेस्टेशन हुआ, कुछ ना कुछ चिल्ला रहे थे, कहीं दर्शन पा रहे थे, कहीं चीज हो रहा था, विश्वास के बारे में सब सिखाया। तब केनेथ हेगिन का परिवार वाले खुद बोले, ये हेगिन परिवार को परिवार के लिए बदनाम है, ये हेगिन परिवार को ये नीचे लेके जा रहा करके वो लोग उनका रिश्तेदार परिवार वाले उनको दोष लगाया। कहीं प्रभु के बच्चे लोग भी दूसरे कलिशिया वाले सेवक लोग उनका ऊपर इतना निंदा किया। लेकिन आज विश्व में कई सेवक लोग, बड़े बड़े सेवक लोग, उनके नीचे ट्रेनिंग लिए हुए लोग 60 उम्र का ऊपर, 70 उम्र का ऊपर, 80 उम्र का ऊपर, अभी भी पूरा विश्व में कितने करोड़ों लोगों के लिए आशीष का कारण बन रहे हैं। लेकिन कितने लोग उसका ऊपर विरोध किया, उनको लज्जित होना पड़ेगा, स्वर्ग में जाने के बाद में लज्जित होना पड़ेगा। केनेथ हेगिन के द्वारा कितने आत्मा स्वर्ग में आते हुए, उनके द्वारा जो जो प्रभु ने किया उन सब चीज़ों को स्वर्ग में जाके उनको अच्छा से पता चलेगा। जो जो उनको उनके ऊपर निंदा किया वो लोग लज्जित हो जाएंगे। हम ऐसे नहीं रहे, कोई नया चीज़ सिखा रहे हैं, कोई नया कर रहे हैं, इसलिए हम उनको विरोध में नहीं आना है, उनको निंदा नहीं करना है। कई सेवक लोग क्या करते हैं, हम उनके लिए इतना ज़्यादा अद्भुत काम नहीं कर पा रहे हैं, उनको भूत ऊत भगा नहीं पा रहे हैं, उनके लिए ज़्यादा भीड़ नहीं आ रहा है, बड़े बड़े चंगाई नहीं हो रहा है, इसलिए जो जो बड़े बड़े सेवक लोग जो प्रभु के लिए बड़ा बड़ा दर्शन देखते हैं, विश्वास कर पाते हैं, प्रभु के समूह में कई घंटों तक बैठ के प्रार्थना कर पा रहे हैं, दर्शन पा रहे हैं, अनेक लोगों को अद्भुत काम करके दिखा रहे हैं, उनको ऊपर
हमेशा दोष लगाते हुए अपना भाषण में कलीसिया में वो क्या सेवक है, ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, ऐसे बोलते हुए हम देखते हैं कितना दुख की बात है। वो लोग करने दो, वो लोग करने दो, दुनिया वाले उनको विरोध में बोल रहे हैं, लेकिन कलीसिया का अंदर से हम नहीं बोलना है। यीशु मसीह को, यीशु मसीह का शिष्य लोग उनका कीमती को नहीं जाना है। देखिए वो लोग स्त्री को सता रहे हैं। और तीसरा एक व्यक्ति वो यहूदास, वो क्या कर रहा है देखिए, इतना विरोध आ गया उनका अंदर, क्या स्त्री को हम सही बोला है, क्यों वेस्ट कर रहे हो करके तेल को इस सत्यानाश क्यों कर रहे हो करके, इसको बेचकर अच्छा से दूसरा काम के लिए इस्तेमाल करेगा करके हम अच्छा अच्छी बात ही बताए, फिर भी ये यीशु मसीह मुझे डांट रहा है। तुरंत वो उठकर उधर उसके बात में यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए फरीसी लोग महायाजक लोग के साथ वो जाकर योजना बनाया और समय देखते रहा। देखिए विरोधी बन गया। हम ऐसे न रहे, यहूदास जैसे हम प्रभु के विरोध में नहीं बोलें, प्रभु के सेवक लोग जो आगे जा रहे हैं उनके विरोध में न बोलें, यहूदास समान उनके विरोध में हम भी कुछ बात न बताएं, उनका विरोध में बात करके उनका नाम को बदनाम नहीं करना है। हम बाट जोते रहे, प्रिय भाई बहन हमको मालूम नहीं, कोई कोई चीज़ मालूम नहीं है, तो जो कर रहे हैं उनका ऊपर हम दोष लगाने का नहीं है। स्त्री ये जो कर रही है प्रभु जानता है, प्रभु जानता था, मुझे दफना करने के पाए उसका मतलब बराबर वो प्रभु बोलते मैं, उसने मेरी देह पर 12 वचन, उसने मेरी देह पर जो ये इतने उंडेला है वह मेरे गाड़े जाने के लिए किया है। प्रभु जानते हैं, प्रभु का दिल खुश हो गया, प्रभु का दिल में तसली मिला, अपना मृत्यु के बारे में सोचते रहा। उस समय में स्त्री ऐसे कर रही है, सचमुच में बाइबल में नहीं लिखा है, सचमुच में मैं सोच रही हूँ उनको कुछ एक तसली मिला होगा। यीशु मसीह मनुष्य था, मनुष्य है, इसलिए हम प्रभु के पक्ष में रहेंगे, प्रभु के विरोध में न जाए, प्रभु के विरोध में न जाए। कुछ ना कुछ चीज़ हमको नहीं कर पा रहे हैं तो भी हम शांत रहिए। आपसे जो आपको जो अनुग्रह मिला, जितना विश्वास आपका है उसके उससे आप चलते रहिए। दूसरों को आप दोष नहीं लगाना, दोषित मन में नहीं रखना, वो लोग कर पा रहे हैं मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। प्रभु उनको तारीफ कर रहे हैं, उस स्त्री को तारीफ कर रहा है, हमको तारीफ नहीं मिल रहा है, मैं कर नहीं पा रही हूँ, वैसे ऐसा नहीं सोचना, ऐसे सोच कर दोषित मन में नहीं रखना। जो प्रभु आपके लिए जो तोड़े दिया है उसको अब बढ़ाइए। प्रभु जो अनुग्रह आपको दिया है, जो प्रकृति के प्रभु आपको दिया है उसमें चलते जाइए। दूसरों को आप सताना नहीं है, विशेष करके प्रभु के बच्चों लोगों को सताना नहीं है। विलियम कैरी के बारे में आपको मालूम है, विलियम कैरी एक मिशनरी इंडिया में मिशनरी के रूप में आए, वेस्ट बंगाल में कलकत्ता में आने के पहले जब वो इंग्लैंड में था, वो एक गोरा था, वो एक उनका चर्च में एक मीटिंग हुआ, कमिटी मीटिंग, बड़े बड़े लोग हैं प्रभु के बच्चे लोग, वो लोग भी, इसमें विलियम कैरी भी था। तब विलियम कैरी उठकर बोल रहा था इंडिया में लोग मर रहे हैं प्रभु को, प्रभु के बगैर, प्रभु को जानने बगैर नरक जा रहे हैं, मुझे उधर जाना है, जाकर सुसमाचार बताना है, इंडिया में प्रभु का काम करने के लिए मुझे जाना है। तब उनमें से जो जो बड़े लोग बैठे हुए थे, प्रभु के बच्चे थे वो लोग भी, वो विलियम कैरी को बोला, ए जवान बैठो, बैठ जा, तुम क्या अलग अलग सोच रहे हो, प्रभु अपना काम करेंगे अपने समय पर, अपना रीति से तरीके से, तुम क्या इतना जल्दी बाजू में क्या क्या बोल रहे हो, तुम बैठो, ऐसे डांट रहे थे ये शिष्य लोग जैसे। लेकिन विलियम कैरी वो सुना नहीं, वो आया इंडिया में कष्ट के साथ त्याग करते हुए, कई चीज़ों को खोते हुए इंडियन लोगों के लिए सेवकाई किया, सेवकाई का कई लोगों के लिए आशीष का कारण बना।
नया नियम को उत्तर भारत में कोई कोई भाषा में थोड़ा थोड़ा भाग को वो अनुवाद करके रखा था, उसमें से लेकर कई लोग अनुवाद करने लगे। बात में आज हमारे हाथ में हिंदी बाइबल है, कई अलग अलग भाषा का बाइबल है, उड़िया बाइबल है, कितने ऐसे लोगों को। फिर वो विलियम कैरी के लिए जो जो पैसे भेजे इंग्लैंड से, वो लोग को प्रभु आशीष किए होंगे, स्वर्ग में भी वो लोग आशीष पाएंगे। जो जो कुछ ऐसे स्पेशल काम करते हैं उनके लिए आगे निकल पड़ते हैं। कलिशा में भी थोड़ा आगे सोचने वालों को हम डिस्करेज मत करो। हमारा बच्चे लोग थोड़ा आगे सोचते हैं तो क्या आगे, तुम ऐसे मत सोचो, तुम ऐसे दूसरा समान रहो, ऐसे मत बोलो। ऐसे बोलने वाला प्रभु का काम को वो लोग रोकते हैं, उस झुंड में हम नहीं रहना है। एक बहन के गवाही में सुन रही थी, वो बहन जब उनका देश में था तब उनके मम्मी उनमें उनका समाज में क्या है, सब लोग एक जैसे कपड़ा पहनना है, एक जैसे रहना है, कुछ भी अलग सोचना नहीं, कुछ भी अलग करना नहीं। छोटेपन से वो लड़की, छोटी लड़की थी, तब से उनका मम्मी, इनका अंदर प्रभु बड़ा कार्य करने के लिए प्रभु का विचार था, इसलिए बचपन से ही वो कुछ ना कुछ अलग अलग सोच रही थी, कुछ ना अलग अलग बोल रही थी। लेकिन हमेशा उसका मम्मी, उनकी मम्मी बोलती थी, नहीं तुम्हें ऐसे नहीं सोचना चाहिए, तुम दूसरों जैसे सोचो, जो हमारा समाज में जो जो सोच रहे हैं उनके समान सोचो, ऐसे मत सोचो, ऐसे मत सोचो करके बोलते बोलते उनको दबाते रही। लेकिन प्रभु उनका जीवन में कार्य किया, वो जवानीपन में आ गई, प्रभु उनका जीवन में कार्य किया, उनका अंदर जो प्रभु का इच्छा था उसको प्रभु दिखाने लगा। वो उनके लिए हाँ बोली, कदम रखी, हिम्मत बांधी, जो उनका समाज में जो नहीं वो जो लोग नहीं किया वो करने के लिए वो तैयार हो गई। तैयार होकर आज भी वो कितने अच्छा से, वो एक अभिनेत्री जैसे, एक ड्रामा, ड्रामा मतलब एक अभी सिनेमा रहता है, सिनेमा में हम लोग जाके देखते हैं सिनेमा स्क्रीन में। लेकिन ये बहन ने क्या किया, कहीं ऐसे ड्रामा एक्टिंग करने वालों को इकट्ठा किया, प्रभु का जो भी संदेश है बाइबल में, दाऊद का स्टोरी कहानी, नया नियम का कहानी, एक एक संभव बाइबल में जो जो है उसको नाटक के रूप में शूटिंग किया, फिल्म लिया, डाला। अभी भी कितने लोगों के लिए आशीष का कारण बनी। प्रिय भाई बहनों, जब हमारा बच्चे लोग थोड़ा आगे सोचते हैं, आप उसको दबाना नहीं, उसको एनकरेज कीजिए। कलिशिया में कोई थोड़ा आगे सोचते हैं तो एनकरेज कीजिए। परिवार में कोई आगे जाने के लिए, जो प्रभु में आगे जाने के लिए, प्रभु के लिए कुछ आगे करने के लिए सोचते हैं, एनकरेज कीजिए, उत्साहित कीजिए। उनको दबाना नहीं, उनको सताना नहीं, उनको नीचे गिराना नहीं। प्रभु आप कुछ कर नहीं पाएंगे तो भी बड़े बड़े कार्य, बड़े बड़े कार्य जो करने के लिए जा रहे हैं उनको अच्छे शब्द दो, बोलिए और उनके लिए कुछ सपोर्ट कीजिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपको भी प्रभु आशीष करेंगे, इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष करें। आमेन।